आप देख रहे हैं अब तक न्यूज इंडिया, जो आपको रखे आगे। 8 अप्रैल यानी पीर के रोज मालेगांव शहर में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई अमल में आई है, जहां मालेगांव एफडी ऑफिस के सीनियर क्लर्क रविंद्र बाबू दायित्व को 22,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। रिश्वत लेने की वजह ये बताई गई है कि मालेगांव का रहने वाला एक शख्स जो लकड़ी का व्यापारी है और साथ साथ सोशल वर्कर का भी काम करता है, उसने सीनियर क्लर्क के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत दर्ज कराने वाले ने अंत्योदय स्कीम के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और 15 गरीब और जरूरतमंद खानदानों के पीले राशन कार्ड के लिए कैश रकम जमा कराई थी। रविंद्र बाबू दायित्व ने इस सिलसिले में अनाज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर मालेगांव के दफ्तर से कुल 15 खानदानों के ऑनलाइन कार्ड रजिस्ट्रेशन के लिए हर खानदान से अदाफी रकम का मुतालबा किया था। हालांकि 8 अप्रैल को मुलजिम रविंद्र बाबू दायित्व ने शिकायत को निंदा को 22,500 में से 500 रुपए वापस कर दिए और सिर्फ 22,000 रुपए की रिश्वत ली। तभी इस मौके पर रिश्वत लेने के इल्जाम उसे एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों पकड़ कर हिरासत में ले लिया और फिलहाल इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है।